ਕਦੇ ਫੇਰੀ ਕਦੇ ਮਰੂਦ ਪਾ ਲਿਆ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸੀ ਬਸ ਦੁਬਾਰੇ ਮਸਾਇਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਮਸਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨੀ चल डूंगी बहुत जी गरीब बंदे नहीं बन रही समान है बस हाँ समान है बिल्ली आपने रखी हुई है बिल्ली चूहे चूहे अस खुडा जी है खुडा पर रखी थां दबारे मसाया भी है दबारे मत बनाई जाके सारी कुछ ऐसी कोई नी दबार बनावन दी तो आप क्या करते हैं आप असंग फेरी कर दादा नहीं आती फेरी आती मैं अच्छा फेरी करते थे हाँ जी हाँ जी मैं भाई कल भी फेरी बेचता से अमरूद पा लाता पकौड़े पा लाता से अच्छा फिर मैं बीमार हो गया उतने चार महीने बीमार पे आ रहा क्या हुआ था आपको मैंने अब बुखार चढ़ा टाइफाइड हो गया टाइफाइड हो गया था हाँ जी फिर इलाज करवाया आपने इलाज कराने हौली हौली अच्छा पैसा है को नहीं पाँच चार महीने पे आ रहा बीमार फिर हूँ पैसा नहीं होता सैकड़ भी चलता अख बनेगी बनाएंगे वो मैं निगाह का मुड़ा सी मैं कराई चेक ऑपरेशन हो गया फिर भी नहीं मंजी दे प्यार रहना बीमार बंदा उन्ना तो काम नहीं होता कुछ नहीं होता मंजी दे प्यार खड़े रहना बस में काम ही नहीं होता कोई काम नहीं होता और अधिकारी घर ही रहते हैं बस आप घर ही रहना बस में तो फिर घर का निजाम कैसे चलता है बड़ा मुश्किल चलता है परेशान रहने बस घर और करना वजह से परेशान है आप कारोबार तो बाहर होता नहीं मैं परेशान रही है हाँ जी आप कह रहे हैं मैं काम करने वाला था तो आप ही बैठ गए मसला बन गया तो सही परेशानी हो गया सही है परेशानी पैगी कर दे बीमार है ओ बैठी है अच्छा अच्छा बीमार रहती है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बाजी बाजी मैं थी अगे मरीज मेरे एक्सीडेंट हो गया क्या एक्सीडेंट हो गया आपका हाँ जी कब हुआ कल हुआ सब रात अच्छा रात को अटकी टकोर कर रही है हाँ जी बाजी हाँ ना मेरे गले का मसला है ना अच्छा मेरी आवाज नहीं निकलती है अच्छा एक मेरे सट लग गई फिर एक बाजू नहीं सीधा होता एक लात नहीं सीधी होती है किधर लगी है ज्यादा चोट ऐसे लगी है इधर कोर कर दे तो फिर चेक वगैरह नहीं करवाया डॉक्टर कोई नहीं करवाया ले किधर अच्छा घर में टकोर वगैरह कर रही है हाँ जी घर कर दे पे नहीं किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाओ ना या एक्सरे बाजी अन्य की जांच नहीं है डॉक्टर पता चले भी क्या हुआ इधर उधर आ जाओ चार पाई थी चलो गले का कह रही थी क्या हुआ आपके गले को जी गले में रसोलिया ने मेरे अच्छा रसोलिया किधर है आ, दो पास क्या हुआ थी क्या वाली अच्छा ऊंची जगह वाली पैर ऑपरेशन होना है अच्छा ऑपरेशन का बता रहे हैं हाँ जी रसोलिया गले बीच में भाई नहीं कब से आई कब हुई है अभी हुई है पहले की है नहीं अगे नहीं सी इन्हें महसूस नहीं होगा पांच चार साल यानी चार साल हो गया उस वक्त शुरू हुई है हाँ पहले छोटी थी पहले छोटी सी मेरे को तो बोलिया भी नहीं जाता ना कुछ चीज खादी जाती है बहुत तकलीफ है मेरी बांह भी दर्द बहुत होती भी जिथे चोट लगी अच्छा इस वजह से खाना भी नहीं खाया जाता नहीं जी कुछ पानी भी नहीं मेरे को पीता जाता एक टाइम फिर क्या खाते हैं आप कुछ भी नहीं बस है बस थोड़ा बहुत गुजारा की आखिर में अच्छा यानी मुश्किल से आप खाते हैं रोटी वगैरह जो चीज हल्की फुल्की जो हल्की फुल्की हाँ अल्लाह रहम करे अच्छा डॉक्टर कह रहे हैं भी ना ऑपरेशन होगा हाँ जी ऑपरेशन होगा कितने पैसे कह रहे हैं कितना खर्चा कह रहे हैं खर्चा और कहने 50-60 हज़ार दा हाँ जी जैसे ये भाई साहब भी बता रहे हैं हालात तो बड़े मुश्किल है तो घर घर जाना भी बड़ा मुश्किल चल रहा है तो 50-60 रुपया साढ़े आंडी गुआंडी जेड़े रोटी रोटी संत दे जांदे
पका दें मेरे को तो नहीं पकदी कुछ मेरे को लीड़ा कपड़ा ना मेरे को रोटी को चलो कुछ भी नहीं मेरे को मैंने ना रोटी मेरे को खा होंगी है खाना नहीं खा होंगे मेरे आवे हाथ बेच भी खून को है खून की कमी भी हो गई है। बाजी फिर इसकी कोई दवाई वगैरह खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? भाई कुछ भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे, बड़ी गैस नहीं है। बाजी मेरा दिल घबरा पे, मैंने चक्कर आंदे पे ने, मैं हूं अंदर जाती रही गैस। चलो जाओ फिर आप लेट जाए, बाजी आप ना जाके लेट जाए, मैंने बहुत आंदे पे आ रहे आपको। आप कह रही ना मुझे चोट लगी इस वजह से, दिल घबरा पे भी आप बाजू नहीं काम कर। चलो आप लेट जाए, अल्लाह ताला की मुश्किल आसान करेगा। अच्छा जाओ अंदर लेट जाओ आप, हां जी अल्लाह गरम करेगा, ये अल्लाह आसानी करवाएगा। भाई साहब बाजी जी बता रही हैं कि जो उनके रसोलियां हैं आप ही उन्हें रसोलियां आई हैं। अच्छा हां 5-6 साल हो गए। अच्छा 5-6 साल हो गए इनको, 5-6 साल हो गए। थोड़ा मसला था ये, हां जी और पहले भी थोड़ा सी, हूं बहुत हो गया। उसी वक्त इनका इलाज करवा लेते तो शायद जल्दी सही हो जाता। और इलाज के कराया वो तो कारोबार इकला करना रहा थी। अच्छा मैं तो रोटी पूरी नहीं होती थी। अच्छा अच्छा और इलाज मसले में, यानी कि इलाज की आपकी गुंजाइश ही नहीं थी, आप करवा ही नहीं सके, करवा नहीं सके। अब मसला ज्यादा बन गया, ज्यादा मसला वादा बन गया। हां अब बाजी बहुत तकलीफ में है, तो अब उनके को कपड़े भी नहीं दो दिन में कपड़े भी आप धोना। अच्छा जी यार मुश्किल हो गया, उन्हें लग रहा मांग दिया 50-60 हज़ार दिया। मेरे को गुजायत को 50-60 लावन दी ऑपरेशन करा लवा। अच्छा अच्छा इन्होंने से कोई काम भी नहीं होता, काम भी आपको करना पड़ता है। हाँ जी जी भाई साहब आपकी बात सुनी है, काफी दुखी हालात है, बड़े परेशान है आप, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए। आपसे भी काम नहीं होता तो हमारे आप ही भी बीमार हैं, अल्लाह ताला आपके हाल पर करम फरमाए, रहम फरमाए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने सबब बनाया है, और एक हमारे भाई साहब हैं वो अपने सदकात और खराब में से हिस्सा निकालते हैं, उन्होंने आप लोग जैसे लोगों के लिए भेजते हैं, ये रखें कबूल कर लें जी, तो इससे आपको जहाँ जरूरत है इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा जी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, दिल खुश हो गया, मुझे बहुत जरूरत थी, मेरी परेशानी दूर हो गई। अल्लाह आपको भी खुश रखे, और जिस भाई ने भी ये मेरे साथ तआवुन किया है सबका दिया कबूल फरमाए। जी जी बिल्कुल, हालात आपके ऐसे हैं कि मुश्किल हुई पड़ी आपके लिए, जिसके साथ ही राशन भी है, आपको राशन भी देते हैं, जैसा आप क्या कह रहे हैं घर में बड़ा मुश्किल से चलता है। जी जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सही बात है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए, आपकी मुश्किल हालात फरमाए। ये राशन ले आए जी, राशन भी देते हैं इनको, भाई साहब आपके लिए राशन भी लाए हैं, तो इसमें इसमें राशन है, घी चीनी दाल इस तरह की जो किचन वाली चीज़ें होती हैं सारी इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपकी जी पकाकर बच्चों को आपको सबको खिलाएंगे जी। जी दुआओं में आपने याद रखना, दुआएं करनी है आपने।